तो फ्रेंड्स यहाँ पर इवनिंग का टाइम है और मैं आया था कार को बुकिंग पर लेकर। और गाइस मेरी कार के टैंक में एलपीजी गैस बहुत कम था, तो सडनली मेरे पास बुकिंग आई अचानक से और मेरे पास एलपीजी गैस भी नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अटेंडर में एलपीजी गैस नहीं होता है और कभी कभी तो हम अपने स्टॉक में रखते हैं एलपीजी गैस को, कार के टैंक में एलपीजी गैस को भर करके रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एलपीजी गैस नहीं होता तो हम अटेंडम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर को हम रख करके लाए थे इस बार। और यहाँ पर गाइस एलपीजी गैस हमारे कार के टैंक में रिफ़िल हो रही है आराम से। यहाँ पर हम पाइप के द्वारा एलपीजी गैस को रिफ़िल कर रहे हैं गाइस। और यहाँ पर अभी हमने एयर भी नहीं निकाला, यहाँ पर अभी ये लगा हुआ है, अभी इसको खोलेंगे। जब यहाँ पर एलपीजी गैस भरना स्लो हो जाएगा, मतलब धीमे धीमे एलपीजी गैस जाने लगेगी ना, उस टाइम हम यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ से एयर निकालेंगे, फिर एलपीजी गैस हमारे कार के टैंक में रिफ़िल होगी। तो हालांकि क्या है दोस्तों, थोड़ा सा बुकिंग पर हैं तो यहाँ पर सड़क किनारे एलपीजी गैस को रिफ़िल कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मकान वकान नहीं है, थोड़ा क्षेत्र से बाहर है, मतलब आबादी से बाहर है और थोड़ा सड़क है, लेकिन फिर भी ध्यान से एलपीजी गैस को रिफ़िल करना होता है गाइस। क्योंकि एलपीजी तो आप जानते हैं कि हर कहीं एलपीजी गैस को आप रिफ़िल नहीं कर सकते, बट सावधानी पूरी तरह बरतनी होती है और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर एलपीजी गैस हमारा आराम से रिफ़िल हो रहा है। मेन चीज़ होता है कि जब आप आबादी वाले क्षेत्र में एलपीजी गैस को रिफ़िल करते हैं या भरते हैं कार के टैंक में, तो जब आप यहाँ से एयर निकालेंगे तो इस एयर से, मतलब इस एयर से एलपीजी गैस जो लीक होगी उससे प्रॉब्लम होगी, जो आसपास के लोग होंगे उनको इस एलपीजी गैस से प्रॉब्लम होगी। थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है कि आबादी वाले क्षेत्र को अवॉइड करना है, मतलब उस जगह पे आपको एलपीजी गैस को रिफ़िल नहीं करना है गाइस। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप बुकिंग पर कार चलाते हैं और आपकी एलपीजी गैस कहीं रास्ते में ख़त्म हो जाती है, तो आप अपनी कार को पेट्रोल पर लेकर जाइए, थोड़ा साइड में लेकर जाइए जहाँ पर कोई आबादी ना हो, ना कोई मकान वगैरह हो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो और दूसरे पर्सन को भी आपसे प्रॉब्लम हो। तो ऐसा काम नहीं करना है गाइस, जब भी आप बुकिंग पर जाएं तो थोड़ा साइड देख लें और उस जगह पे मकान वगैरह ना बने हो, तो ही आप एलपीजी गैस को रिफ़िल करें गाइस। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर एलपीजी गैस की प्रोसेस धीमी हो चुकी है, अभी तो फ़िलहाल में स्पीड ठीक ठाक चल रही है। जब ये स्लो हो जाएगा बिल्कुल, उसके बाद ही हम यहाँ से एलपीजी गैस को रिफ़िल भरना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बगैर एयर निकाले, क्योंकि ये डायरेक्ट पाइप से एलपीजी गैस को मैं रिफ़िल कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई वीसी बैटरी मोटर पंप भी नहीं है, डायरेक्ट मैं इस पाइप के माध्यम से एलपीजी गैस को रिफ़िल कर रहा हूँ। तो डीसी बैटरी मोटर पंप से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप जानते ही हैं कि कभी कभी तो ख़राब हो जाता है और आवाज़ भी करता है, लेकिन वो आवाज़ करता है और उसमें स्पार्किंग की भी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर बस स्मेल की दिक्कत होती है कि यहाँ से एयर निकालनी होती है। तो इसका एक सॉल्यूशन भी है कि यहाँ से आप चुटकी लगवा सकते हैं, लेकिन चुटकी बराबर लगी रहेगी और यहाँ पर आपको जब एलपीजी गैस रिफ़िल करेंगे तो यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी एलपीजी गैस भरना स्टार्ट कंटिन्यू चलेगी आपके एलपीजी गैस टैंक में। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं स्पीड अभी इसकी स्लो हो चुकी है धीमे धीमे, और अभी फ़िलहाल में प्रोसेस में है, एलपीजी गैस रिफ़िल हो रही है। अभी बिल्कुल फुल तरीके से यहाँ पर स्पीड रुक जाएगी ना, उसके बाद ही हम यहाँ पर एयर निकालेंगे। तो फ़िलहाल में यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कहीं से एलपीजी गैस तो लीक नहीं हो रही है। तो यहाँ पर गाइस आग लगा कर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से कहीं से भी एलपीजी गैस हमारी लीक नहीं हो रही है और यहाँ पर कंटिन्यू एलपीजी गैस भर रिफ़िल हो रही है हमारे कार के टैंक में। और यहाँ पर थोड़ा सा ये जो कांटा है घड़ी का, ये बढ़ चुका है आगे थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एलपीजी गैस की स्पीड है वो कंटिन्यू चल रही है और कुछ स्लो हुई है, अभी ज़्यादा स्पीड नहीं है। अब हमें यहाँ पर एयर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पर हमारी कार के टैंक में एलपीजी गैस कंटिन्यू रिफ़िल हो पाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हम एयर निकालते हैं और यहाँ पर पेंच किस लगाते हैं गाइस, और बिल्कुल स्लोली स्लोली हम एलपीजी गैस की एयर यहाँ पर निकालेंगे टैंक से, क्योंकि किसी से कोई प्रॉब्लम भी ना हो और ज़्यादा स्मेल भी ना फैले गैस भरते समय। बस इतना निकाला और यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया। यहाँ पर अभी भी एलपीजी गैस हमारे कार के टैंक में रिफ़िल हो रही है दोस्तों।
तो इस तरीके से आपको एलपीजी गैस रिफ़िल करना है। कहीं अगर बुकिंग पर जाते हैं और आपका टैंडम एलपीजी गैस ख़त्म हो जाता है दोस्तों, तो आबादी वाले क्षेत्र को आपको अवॉइड करना है, वहाँ पर सावधानी बरतनी है। और सड़क किनारे कहीं भी एलपीजी गैस भर रहे हैं आप, तो थोड़ा डिस्टेंस में रहें और आराम से एलपीजी गैस को रिफ़िल कर लें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से करें बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।